हम लोग रेलवे में जूनियर इंजीनियर और सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट पे भर्ती हुए और पिछले जब से भर्ती हुआ आज तक एक भी प्रमोशन हम लोगों को नहीं दिया गया है। उसके लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी मांग किसी भी लेवल पे रेलवे बोर्ड प्रधानमंत्री स्तर रेल मंत्रालय स्तर पर नहीं सुनी गई है। उसी मांग के विरोध में मांगों के पक्ष में हम यहाँ पर धरना दे रहे हैं, जिसमें ऑल इंडिया से उत्तर सभी रेलवे जोनों से सभी डिवीजनों से हमारे करीब 2000 इंजीनियर आए एकत्रित हुए हैं। WRC और ऑल इंडिया रेलवे इंजीनियर्स फेडरेशन के आह्वान पे ये आज धरने का आयोजन किया जा रहा है। ये इसका नाम हमने अधिकार रैली दिया है। इसका कारण ये है कि हम लोगों को हमारे जो अधिकार हैं, जो संवैधानिक अधिकार हैं, उसे हमें वंचित किया जा रहा है। क्योंकि इंजीनियर्स है पूरे इंडिया में जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वहाँ पे इंजीनियर्स को ग्रुप बी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन रेलवे ने अपने इंजीनियर्स को डिग्रेड करके रखा हुआ है और उनको ग्रुप सी का दर्जा दिया हुआ है, जो कि इनके साथ में नाइंसाफी है और इनके अधिकारों का हनन है। हम लोग यहाँ पर पूरे इंडिया के कोने से, उत्तर से, दक्षिण और पूर्व से, पश्चिम, सभी इंजीनियर्स यहाँ पर पहुँचे हैं सभी जोन से। तो हमारी रेल मंत्रालय से और रेलवे बोर्ड से यही गुजारिश है कि हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, हमारा जो ग्रुप बी का अधिकार है, हमारा जो प्रमोशन का अधिकार है, वो हमें सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि हम रेलवे की सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। अगर किसी स्टाफ का और इंजीनियर का मनोबल गिरा करके अगर ये उन्नति की उम्मीद करते हैं तो वो असंभव होगा। तो अगर इन लोगों का इनका मनोबल बढ़ाया जाएगा और इनका प्रमोशन चैनल बनाया जाएगा तो रेल को इसका अच्छा आउटपुट मिलेगा और रेल को वर्ल्ड क्लास बनाने में भी बहुत जल्दी मदद मिलेगी। पुराने समय में जिस तरह से गुलामी या दास्ता होती थी उसी तरह से रेलवे बोर्ड ने चला रखा है। यहाँ क्लास वन अधिकारी अपने पूरे सेवा काल में 8 से 10 प्रमोशन लेता है। हमारे CRV साहब जो है, जैसे CRV साहब है, ये असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर में भर्ती हुए थे, अभी चेयरमैन रेलवे बोर्ड है, तो लगभग जो है 10 प्रमोशन इनको मिल गए होंगे। अच्छी बात है, उन्नति करें, हमें भी खुशी होती है। लेकिन जो हमारी कैटेगरी है, इसमें एक तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आता है, वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर में आता है 4600 ग्रेड पे में, और उसे 20 साल हो गए, अभी तक कोई प्रमोशन नहीं है, पूरे सेवा काल में बिना प्रमोशन के रिटायर हो जाएगा। जो 4200 ग्रेड पे में जूनियर इंजीनियर आ रहा है, तो हर जगह जूनियर इंजीनियर का अगला प्रमोशन असिस्टेंट इंजीनियर होता है, ग्रुप बी गजिस्टर्ड। यहाँ एक प्रमोशन भी नहीं दिया, उसकी जगह आधा प्रमोशन SSC 4600 ग्रेड पे ग्रुप सी का दिया है। ग्रुप सी मतलब बेवकूफ बना के रखना है, उन्हें पूरे सेवा काल में जो है ग्रुप बी भी नहीं दे रहे, इस तरह से जो है असिस्टेंट इंजीनियर भी नहीं बना रहे, हाफ प्रमोशन दे रहे। तो हमारी तो डिमांड ये है कि जिस तरह से हमारे करियर को चौपट कर रखा है, जब आदमी को लग रहा है कि पूरे सेवा काल में कोई प्रमोशन नहीं है, तो उसकी जो है काम करने में लगन कितनी होगी। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमारा कैरियर कर रखा है, तो कम से कम क्लास वन का भी कैरियर थोड़ा बहुत प्रभावित हो, इनके भी 3 प्रमोशन तक सीमित कर दिए जाएं, तो इन्हें पता लगे कि ये प्रमोशन न होने का दर्द क्या होता है। दूसरा हमारा कहना है कि हम तो सोच रहे थे कि मोदी जी आए हैं, पिछली सरकार भ्रष्ट थी, अब जो है स्वच्छ सरकार आई है तो ये कुछ सुनेगी, लेकिन जो है अभी लग रहा है कि वो जो जिस हम सरकार को भ्रष्ट समझ रहे थे, तो उससे भी गई बीती है। हमारे रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी कई जगह गए, पहले रेल मंत्री थे वो भी कई जगह गए, और इंजीनियर्स ने डिमांड रखी, तो हमें जो है जो पहले MR थे प्रभु सुरेश प्रभु जी, वो भी आश्वासन देते थे कि इंजीनियर्स का काम हो रहा है। मनोज सिन्हा जी भी जहाँ भी गए हमने डिमांड रखी, तो उन्होंने बोला कि इंजीनियर्स का काम हो रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इंजीनियर्स का काम अपने कार्यकाल में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और हमारी जो है मनोज सिन्हा जी के लिए दुआएं यही है कि जिस तरह से वो हमारे काम जो है लगन से कर रहे हैं, तो जनता भी उनका काम उसी लगन से कर दे, तो उनको पता लग जाए कि धोखा क्या होता है। जिस तरह से हमें धोखा दे रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि पब्लिक भी उनके साथ वही कर
करें। मनोज सिन्हा जी के साथ जो बर्ताव इन्होंने हमारे साथ किया है, हम यही चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, कोई अलग से नहीं मांग रहे। सारी दुनिया में जो है, मतलब सारे भारतवर्ष में जो है, जेई से सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर तक बन रहा है और हमारे यहाँ जो है जेई असिस्टेंट इंजीनियर नहीं बन रहा, और ये हर लेवल पर पहुँच चुका, लोकसभा में मुद्दा उठ चुका है, प्रधानमंत्री जी के सामने उठ चुका है, तो हम ये नहीं कह सकते, संसद में सबको मालूम है। तो या तो लगता है कि सारे सांसद प्रधानमंत्री सहित अंधे और बहरे हैं, जिनको सत्यता सुनाई नहीं पड़ती, जिसको जो है न्याय और न्याय में जो है फर्क नहीं दिखता तो अंधा है, जिसको सुनाई नहीं पड़ रहा। ये इस तरह से हो रहा है जैसे महाभारत के समय में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और सारे आंख बंद करके देख रहे थे, सारों के जो है कानों ने सुनना बंद कर दिया था। यही संसद की स्थिति हो रही है, मतलब सबको बोल रहे हैं लेकिन जो है न्याय की बात कोई नहीं कर रहा। तो हम चाहते हैं कि न्याय की बात जो है, जो भी है, क्या जो है किसी को उन्नति करने का अधिकार नहीं है, हर मानव को अधिकार है कि उन्नति करे, लेकिन जो है हमारी कैटेगरी की कोई उन्नति नहीं है, इसलिए कार्य में लगन नहीं है। अब ऐसी कैटेगरी से चाहते हैं कि रेलवे की दशा सुधरे, तो दशा सुधारने में तो यही रोक रहे हैं। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब से, अभी भाई साहब ने आपको हमारी मांगों के बारे में बताया, हमारी तो मांग एक ही है कि जो रेलवे इंजीनियर हैं उनका जो भविष्य है वो एक तरह से रेलवे बोर्ड ने ख़त्म कर दिया है। हमारे जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर वो साथी हैं, वो पिछले 20-20 साल से वो इंजीनियर अपनी इस एक ही पद पे काम कर रहे हैं, उनकी प्रमोशन का कोई एवेन्यू नहीं है, प्रमोशनल एवेन्यू कोई नहीं है। दूसरी हमारी डिमांड है कि हमारी जो सेफ्टी कमेटीज़ हैं उनने जितनी रिकमेंडेशन दी हैं आज तक, रेलवे बोर्ड ने सारा रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और उसको लागू नहीं कर रही। हमारी डिमांड है उन सेफ्टी कमेटी को लागू करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली जो हमारी दोनों फेडरेशनें हैं, मजदूर फेडरेशनें हैं वर्कर्स की, उसमें से बाहर हो जाएंगे और हमारी अलग संस्था बन जाएगी।